मेरा नाम प्रसाद। आज हम फोर्थ यूनिट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोकोर टू पे साइकिल्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पी टू पी साइकिल्स भी कहते हैं। पी टू पी साइकिल्स क्या होती है हम पहले जान लेंगे, यहाँ भी देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, किसी भी मटेरियल अगर आपको पी टू पी से परचेस रिक्वेशन के लिए कौन ये रहता है रिस्पॉन्सिबल, कोई भी एंड यूज़र और एनी डिपार्टमेंट मेंबर रहता है। उसके बाद में क्या आता है, परचेस रिक्वेशन किसको आती है, परचेस डिपार्टमेंट वाले को आती है। किसको, परचेस डिपार्टमेंट के आने बाद जो भी परचेस डिपार्टमेंट में काम करने वाला जो भी व्यक्ति रहता है वो क्या करता है, जो इंक्वायरीज है वो वेंडर को भेजता है, वेंडर को, ठीक है। वेंडर का क्या करता है, कितने वेंडर को भेजता है, मिनिमम आप 3 पकड़ के चलिए, 3 नंबर्स। उसके बाद में क्या होता है, वेंडर से कोट आने के बाद क्या करता है, प्राइस मेंटेन करता है, सिस्टम में मेंटेन करता है, मेंटेन इन सिस्टम। उसके बाद क्या है करता है, प्राइस कंपेयर होने के बाद क्या करता है, मिनिमम जो लो L1 कॉस्ट रहता है, मिनिमम मींस L1 कॉस्ट जो भी रहता है उस और उसका जिसका भी डिलीवरी और डिलीवरी फास्ट रहता है, क्वांटिटी अच्छा रहता है, क्वालिटी अच्छा रहता है, तो उसे हम मंगाते हैं, उसको हम L1 सप्लाई करते हैं मिनिमम कॉस्ट के लिए। फिर एक बार होने के बाद क्या करता है, परचेस डिपार्टमेंट क्या करता है, परचेस ऑर्डर जनरेट करता है। ये जनरेट होने के बाद क्या होता है, वेंडर को सेंड करता है, सेंड टू वेंडर। वेंडर को भेजने के बाद क्या करता है, वेंडर मटेरियल अरेंज करता है और उसके बाद में डिस्पैच करता है। तो क्या बनाता है, वो इनवॉइस रेज करता है, रेज करने के बाद क्या होता है, हम मटेरियल आने के बाद क्या होता है, अपने फैक्ट्री में मटेरियल इनवर्ड होता है। मटेरियल इनवर्ड करने के बाद क्या होता है, उसका वेरिफिकेशन होता है, मटेरियल एंड इनवॉइस वेरिफिकेशन। ये होने के बाद क्या होता है, अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा, क्वालिटी डिफेक्ट अगर आता है तो मटेरियल रिजेक्ट हो जाता है। अगर ओके रहता है तो क्वालिटी ओके होता है तो मटेरियल एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, मटेरियल एक्सेप्ट हो जाता है, क्वालिटी ओके होता है और मटेरियल एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट होने के बाद क्या होता है, पेमेंट प्रोसेस एंड क्रेडिटेड टू वेंडर अकाउंट। यहां तक की पूरी जो साइकिल है इसे हम पी टू पी साइकिल्स कहते हैं। अभी हम सीखेंगे कि परचेस ऑर्डर कैसे जनरेट करना होता है। परचेस ऑर्डर जनरेट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो पहले स्टेप से परचेस रिक्वेशन। तो परचेस रिक्वेशन के लिए 3 टी कोड्स आपको याद रखने होंगे। पहला टी कोड कौन सा है, ME51, दूसरा ME52N डिस्प्ले और तीसरा ME53N। अगर आपको करना होगा, क्रिएट करना होगा, तो आप डायरेक्टली आप टी कोड्स एंटर करके डायरेक्टली जा सकते हैं। ME51 एंटर करेंगे, उसके बाद में विंडो ओपन होगा और हम देखेंगे, मतलब अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे तब आपको ध्यान में आएगा। यदि आपको कोई चेंजेस करना होगा तो ME52N डाल के आप चेंजेस कर सकते हैं। यदि आपको कुछ सिर्फ डिस्प्ले करना होगा तो आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए स्क्रीन के ऊपर हम चलते हैं। अभी हम जो क्रिएट करने वाले हैं परचेस रिक्वेशन, तो हमें एक मटेरियल चाहिए। तो ये जो मैंने येलो हाईलाइट में सिलेक्ट किया है, तो ये मटेरियल हम अभी लेंगे।
6 × 7 × 2 1 ये पार्ट बोर्ड किसका है, एमएस प्लेट फॉर डैम्पर 10 × 20 × 30 mm साइज का है, एमएस प्लेट है, तो ये मैंने लिया है। तो ये हिसाब से अभी हम इसे कंसीडर करेंगे और इसका हम परचेस रिक्वेशन बनाएंगे। तो परचेस रिक्वेशन कैसे क्रिएट करते हैं वो हम सीखेंगे। सिंपली टी कोड टाइप करना है, ME51N, सिंपली एंटर। उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे एमएस लिखना है, नाम डालना है, और उसके बाद डिफॉल्ट व्यू में जाना है। डिफॉल्ट व्यू में आने के बाद में यहाँ पे ऑलवेज स्टैंडर्ड करना है और यहाँ पे सेव करना है। ये करने के बाद में ये विंडो खोलेगा। ये विंडो खुलने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एज इट इज रखना है, मटेरियल नेम डालना है 1 2 3 4 5 6 2 1। ये जो मेरा मटेरियल है ये मैंने एंटर किया। उसके बाद में क्वांटिटी 100 नंबर डालता हूँ, यूनिट्स केजी लिखता हूँ। केजी डालने के बाद डिलीवरी डेट मुझे अगले महीने में 29/5/2020 को चाहिए मटेरियल। मटेरियल ग्रुप मैं फिलहाल रख देता हूँ प्लांट 1359। मेरा स्टोरेज लोकेशन जो है वो 1358 रॉ मटेरियल का है। उसके बाद में सिंपली मैं एंटर करता हूँ। एंटर होने के बाद में मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। सेव वहाँ पे लिख लीजिए 53, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। ये इस तरह से हम परचेस रिक्वेशन करना सीख गए। तो ये हम आगे प्रोसेस करने के लिए ये नंबर हम यूज करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना है, थैंक यू।